हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिस्कस किया था। अलग अलग केसेस भी लिए थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी उस पर किए, और लास्ट में मैंने बताया उसी का एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल केलोमल इलेक्ट्रोड, जिसमें भी उसी तरह की रिएक्शंस होती। और यहाँ पर हमने देखा था कि जब इस तरह के सेल्स में हम करंट फ्लो करती है, रिएक्शन क्या होती वो हमने देखा, प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको AgCl वाले केस में कि सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है, सिल्वर का मास कम होता है और AgCl प्रेसिपिटेट आउट होता है और AgCl कोटिंग का मास इंक्रीज होता है। तो ये बहुत जरूरी है, जिसम कहते हैं रिचार्जेबल सेल जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, अगर ये AgCl जो प्रेसिपिटेट बन रहा है ये वापस उसी कोटिंग पर ही डिपॉजिट होना चाहिए। अगर वो नीचे गिर जाता है तो फिर हम उसे वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। इसको हम और आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम लेड स्टोरेज सेल डिस्कस करेंगे जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, राइट। देन इन सभी सेल्स में जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, गैल्वेनिक सेल्स डिस्कस किए, मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ एनोड होता है दूसरी तरफ कैथोड होता है, इन सभी सेल्स में हम एक और सब्सटेंस यूज करते हैं जिसे कहा जाता है सॉल्ट बेस। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? वापस मैं डेनियल सेल से स्टार्ट करूं। जो डेनियल सेल हमने डिस्कस किया था जिसमें एक तरफ जिंक था दूसरी तरफ कॉपर था, जिंक रोड को हमने जिंक के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट। अब यहां पर जो मैंने आपको पहले समझाया था उसमें ये था कि जैसे ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरफ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां पर सॉल्यूशन में जिंक आयन डिसॉल्व होते जाएंगे, सॉल्यूशन में जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यहां पर जिंक का मास कम होता जाएगा और यहां पर कॉपर प्लस टू डिपॉजिट होते जाएंगे, तो यहां पर कॉपर प्लस टू आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, ये सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ता जाएगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और हमें आउटर सर्किट में क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये ज्यादा देर तक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? उसका कारण ये है कि जैसे जैसे यहां सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे यहां सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ये फर्दर Zn प्लस टू आयंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इन Zn प्लस टू आयंस को ये रिपेल करेगा, यानी इनका डिसोल्यूशन जो है डिफिकल्ट होता जाएगा और कुछ देर के बाद यहां पर जिंक होगा लेकिन वो जिंक आयन सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करे। सिमिलरली सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस टू आयन्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कुछ देर के बाद सॉल्यूशन में कॉपर प्लस टू आयन्स होंगे लेकिन वो डिपॉजिट नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज उन्हें अट्रैक्ट करेगा तो उन्हें इलेक्ट्रोड तक जाने नहीं देगा। यानी थोड़ी देर के बाद यहां पर जिंक है, यहां पर कॉपर प्लस टू आयन्स है लेकिन जिंक डिसॉल्व नहीं होंगे, कॉपर प्लस टू डिपॉजिट नहीं होंगे और इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करती रहे तो यहां पर आपको इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा, हटाना होगा मतलब, और यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना होगा। वो कैसे किया जाए, कैसे हटाएं पॉजिटिव और नेगेटिव? और ये ऐसा तो नहीं कि ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक साथ बढ़ गया, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। क्या हमारे पास ऐसे कुछ आयंस है, जैसे ऐसा होता ना कि आयंस हो, अकेला आयन आप स्टोर नहीं कर सकते, आप अकेले आयंस को स्टोर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि यहां पर एनायन डाल दो यहां पर कैटायन डाल दो, ये भी पॉसिबल नहीं। हमारे पास तो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि सारे न्यूट्रल होते हैं, उनमें कैटायन भी होते हैं तो एनायन भी होते हैं, उनको डालने से तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, पीएच के न्यूट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज के न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो यस, समझ ही रहे इस चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो आंसर इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या होता है ये सॉल्ट ब्रिज, चलिए वो समझते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर मैं लिखा दूंगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, कह सकते हो यू शेप्ड ट्यूब होती, यू शेप्ड ट्यूब, यू ट्यूब नहीं, यू शेप्ड ट्यूब, और इसमें हम मोल्टन जिलेटिन, मोल्टन जिलेटिन
या अगर अगर फिल कर देते हैं, मोल्टन जिलेटिन डालते हैं। ये अगर अगर क्या है पता है आप सबको, एक तरह की एल्गी होती है। अगर अगर जिलेटिन भी एक तरह से सब्सटेंस है, जिलेटिन एक सब्सटेंस है जो कि एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होता है, एनिमल्स से हमें ऑब्टेन होता है जिलेटिन। और आगे चल के हम कोलाइडल सॉल्यूशन में और डिस्कस करेंगे। एक सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें जिलेटिन बहुत यूज होता है, यूजफुल सब्सटेंस है जिलेटिन, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। तो क्या क्या यूज किया जाता है, मोल्टन जिलेटिन या अगर अगर, और इसमें हम मोल्टन जिलेटिन या अगर अगर में मोल्टन अगर अगर ऑब्वियसली ये भी मोल्टन फॉर्म में है, इसमें मिक्स कर दिया जाता है कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KNO3 भी कह सकते हो और भी है NH4NO3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयोनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% आयोनाइज होते हैं जिनका अल्फा जो है वो 1 होता है। तो इसको इसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करोगे ये आयंस में टूट जाएगा, यानी K+ और नाइट्रेट आयन हमें मिल जाएंगे, और इस सॉल्यूशन को इस यू शेप्ड ट्यूब में भर दिया जाता है, सॉल्यूशन को यू शेप्ड ट्यूब में भर दिया जाता है और इसे सॉलिडिफाई कर दे किया जाता है। तो सॉलिडिफाई होने के बाद कह सकते हो कि इस ट्यूब में K+ और नाइट्रेट आयन होंगे, इस तरह से थ्रू आउट K+ और नाइट्रेट आयन डिस्पर्स होंगे और ये सॉल्यूशन जो है वो फ्रीज हो गया। और अब इस यू शेप्ड ट्यूब को हम यहां पुट कर देते हैं, इस यू शेप्ड ट्यूब को हमने यहां पुट कर दिया। उससे क्या होगा, अब जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा यहां से नाइट्रेट आयन इधर डिजोल्व हो जाएंगे, और यहां अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो यहां पर K+ आयंस इधर डिजोल्व हो जाएंगे, ताकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहां इंक्रीज हो रहा है ये K+ आयन उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है उसे नाइट्रेट आयन न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिससे सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ बहुत तो वही लगता है सर, ठीक है ये बात तो समझ में आई, लेकिन उसके लिए जिलेटिन और अगर अगर क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हमें आयंस ही चाहिए तो पानी भर दो, यहां पर पानी भर दो और फिर KNO3 और KNO3 या NH4NO3 डाल दो, जिलेटिन क्यों यूज कर रहे हैं, सोचो थोड़ा सा कॉमन सेंस, शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, पानी भर के इन्वर्ट कर देंगे, जैसे ही पानी भर के रखोगे इन्वर्ट करोगे आधा इधर गिर जाएगा आधा इधर गिर जाएगा, K+ और नाइट्रेट आयन भी इधर गिरेंगे, K+ और नाइट्रेट आयन इधर भी गिरेंगे। क्यों जिलेटिन और अगर अगर यूज कर रहे हैं, उसका कारण ही क्या है कि ये जो सेमी सॉलिड टाइप होता है जिलेटिन या अगर अगर सेमी सॉलिड टाइप होता है तो ये गिरता भी नहीं है और स्टिल इसके थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं, स्टिल इसके थ्रू आयंस मूव कर सकते हैं। हाँ बहुतों के दिमाग में ये भी आता है सर एक काम करो आप ये क्यों यूज कर रहे हो, KNO3 सॉलिड ही भर दो, ऐसा भी दिमाग में आता बहुत, भाई KNO3 सॉलिड भर तो दोगे लेकिन फिर सॉलिड KNO3 में से आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाएगा सॉलिड्स में, उसके लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए और सॉल्यूशन भी ऐसा कि जिसको इन्वर्ट करने पर वो गिरे ना, इसलिए यहां पर हम मोल्टन जिलेटिन या अगर अगर यूज करते हैं, एक जेली जैसे होते हैं ना, जेली टाइप सब्सटेंस है जिसके थ्रू स्टिल आयंस जो है वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। तो जिलेटिन या अगर अगर ये हम यूज करते हैं, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए ताकि वो इजीली आयनाइज हो जाए और मूव कर सके। तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज, लिखिए कुछ लाइंस में लिखवा रहा हूं, फिर ये डायग्राम बना लेना, बना लिया तो अच्छी बात है बट लिखिए। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉल्ट ब्रिज की मैं बात कर रहा हूं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉलिडिफाइंग ए मिक्सचर ऑफ
solidifying a mixture of strong electrolyte like KNO3, NH4NO3, etc., with molten gelatin or molten agar agar. In a U-shaped tube. तो ये तो बात हुई कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आपको बताया. फिर इसमें लिखिए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. It maintains the electrical neutrality. It maintains the electrical neutrality of both compartment. दोनों compartment की electrical neutrality ये maintain करता है. बट इसके अलावा एक एप्लीकेशन हुआ, दूसरा क्या है वो मैं बता रहा हूं. अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करें तो और क्या ऑप्शन है, कैसे इनका न्यूट्रल रख सकते हैं? तो एक ऑप्शन ये और आता है कि इन दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एसपीएम लगा दें. क्या लगा? SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू हमें पता है कि कुछ आयन से या मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट पॉसिबल होता है इसके थ्रू. और अब हमने यहां पर जिंक और यहां पर कॉपर रॉड को डिप कर दिया. यहां पर जिंक का सॉल्यूशन है, यहां पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. अब क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा यानी सल्फेट आयन कंसेंट्रेशन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा. ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये यहां पर हमने क्या लगा दिया, एसपीएम लगा दी. अब क्या होगा, जैसे जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये सल्फेट आयन इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे और Zn+2 आयन इस तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, इस तरफ का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और इस तरफ का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. ये भी एक ऑप्शन कि हम क्या क्या यूज करें, एसपीएम सॉल्ट ब्रिज यूज ना करें. बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है, होता क्या है, ये जो आयंस है, अब हम एक्स्ट्रा बाहर से कोई आयन नहीं डाल रहे हैं, जो सेल में अंदर है वही यूज हो रहे हैं. तो होता क्या है कि ये जो चार्ज है वो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है. यहां पर ये प्लस चार्ज 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है, माइनस चार्ज भी 100% न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है. तो क्या होता है, यहां पर भी प्लस और माइनस चार्ज आ जाते हैं, और यहां पर भी प्लस और माइनस चार्ज, और इन दोनों के बीच में भी क्या बन रही है, एक इंटरफेस कनेक्ट है. तो यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, यानी दो सॉल्यूशंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसे कहा जाता है, यानी ये सॉल्यूशंस के बीच के का पोटेंशियल डिफरेंस है. दो लिक्विड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं थ्रू एसपीएम, तो इसे कहा जाता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल.
तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो ये यूज करोगे, और ये यूज करेंगे तो एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिससे सेल रिएक्शन जो है स्लो हो जाती है, राइट वो इतनी यानी कह सकते हो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हो तो फिर कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, कोई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अगर ये सिलेबस में नहीं है हमारे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक लिख सकते हो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड सॉल्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिखिए इसको ऐसे लिखिए, सेकंड पॉइंट इट प्रिवेंट्स, सेकंड पॉइंट इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इट प्रिवेंट्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और व्हाट इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वो लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड सॉल्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लिक्विड सॉल्यूशन। एंड थर्ड एक और पॉइंट है यहां पर, ये जो सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्ट हमने यूज किया है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो लिखिए एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज, एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। फर्स्ट वन, इट शुड बी इनर्ट इन नेचर, इट शुड बी इनर्ट इन नेचर। इनर्ट क्यों होना चाहिए, ताकि यहां पर या यहां पर जाके किसी और के साथ कोई रिएक्शन ना करे। इट शुड बी इनर्ट इन नेचर, इनर्ट नेचर का होना चाहिए। सेकंड, इट शुड बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग नेचर का होना चाहिए। It should be a strong electrolyte. Third, इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि इनकी जो आयनिक मोबिलिटीज है, मूवमेंट यानी स्पीड जो है, आयनिक मोबिलिटीज वो फास्ट ज्यादा होनी चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी यहां पर डिसॉल्व हो सके। यहां जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़े, नाइट्रेट आयन यहां आ जाए, पॉजिटिव चार्ज जो केटायन है वो यहां आके डिसॉल्व हो जाए, तो उसके लिए इनकी आयनिक मोबिलिटीज फास्ट होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं बराबर भी होनी चाहिए। बराबर होने का पर्पज ये है कि जितने एनायंस यहां डिसॉल्व हो रहे हैं उतने ही केटायंस यहां डिसॉल्व हो, ताकि सॉल्ट ब्रिज में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हो, इस सॉल्ट ब्रिज में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ना हो। तो थर्ड पॉइंट, आयनिक मोबिलिटीज शुड बी हाई, आयनिक मोबिलिटीज शुड बी हाई एज वेल एज बी इक्वल, should be high as well as be equal, ज्यादा भी होनी चाहिए और equal भी होनी चाहिए।
ठीक है। देखिए ये इतना याद रखना, बस ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है ना आपको, ज्यादा कहीं सोचना नहीं। और अब जब भी कोई सेल बनाते हो, गैल्वेनिक सेल, अगर दो अलग अलग कंपार्टमेंट है तो उसके बीच में ये सॉल्ट ब्रिज हमेशा बनाओगे। अभी तक हम नहीं बना रहे थे, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जब भी इस तरह का कोई सेल बनाओगे उसमें ये सॉल्ट ब्रिज आपको जरूर बनाना है, ये याद रखना। हाँ, बट इससे सेल रिएक्शन में, सेल के पोटेंशियल में हमें कोई चेंज नहीं करना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस एक टर्म है जो मैंने आपको बता दी। हाँ, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर एक सेल में सॉल्ट ब्रिज हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट है तो डेफिनेटली सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे सेल्स हम ऐसे भी बनाते हैं जिसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, जिसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है, उसमें हमें सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे इवन ये जिंक और मर्करी का एक अलॉय है, जिंक और मर्करी का एक अलॉय, ये भी जिंक और मर्करी का एक अलॉय, जिंक और मर्करी का अलॉय, और यहां पर ये Zn+2 का सॉल्यूशन, Zn+2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहां पर जिंक मर्करी का अलॉय में जिंक का परसेंटेज कुछ हो रहा है, यहां जिंक मर्करी का अलॉय में जिंक का परसेंटेज कुछ हो रहा है, दोनों का कंपोजिशन सेम नहीं है, तो होगा क्या, एक जगह ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक जगह रिडक्शन हो जाएगा। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह रिडक्शन, यहां पर जिंक डिसॉल्व होगा और वही जिंक आयन यहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिंक आयन ही डिसॉल्व हो रहा है, जिंक आयन ही डिपॉजिट हो रहा है, सॉल्यूशन में किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब इस तरह के सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आता है सर इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये जिंक मर्करी अलॉय है, इसे एक वर्टिकल लाइन, क्योंकि इसके बीच में क्या बना हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरफेस, फिर Zn+2 जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख सकते हो, Zn+2 का सॉल्यूशन, फिर एक और वर्टिकल लाइन और यहां पर जिंक मर्करी। Yes, इस तरह के सेल में कहीं कोई डबल वर्टिकल लाइन नहीं होगी, कोई डबल वर्टिकल लाइन नहीं है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन दोनों का कॉमन है, दोनों का सॉल्यूशन कॉमन है। इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं कि इस सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं दिख रहा है, नहीं, तो यहां पर ये कहा जाता है जनरली जो डबल वर्टिकल लाइन है नहीं, किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को। ये डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करी, सॉल्ट ब्रिज को, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट है और एक ही कंपार्टमेंट है, तो कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, फिर कोई डबल वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। तो ऐसे सेल्स भी बनाए जाते हैं जिसमें कोई सॉल्ट ब्रिज की हमें जरूरत नहीं पड़ती, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया है, और भी इस तरह के एग्जाम्पल है, शीट में आप देख सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखने, और सॉल्ट ब्रिज का कहीं कोई यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर चेंज करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेल्टा जी से रिलेटेड, और डेल्टा जी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है तो हमें पता ही नहीं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और ये डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस ई। आप यहाँ पर E को टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस जो आते हैं, अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो देखो डेल्टा एच और डेल्टा एस ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और अगर चाहता है एग्जामिनर टफ करना तो ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे। याद है इनका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं उसे, क्या लाए, यस किरचॉफ इक्वेशन। क्या होता है फॉर्मूला, एंथैल्पी चेंज एट T2 टेम्परेचर माइनस एंथैल्पी चेंज एट T1 टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल्टा CPR T2 माइनस T1,
और ईस्ट में क्या डिफरेंस आता, राइट हैंड साइड में डेल्टा सी पी आर एल एन टी टू माइनस टी वन। लेकिन वो फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो जनरली इनको कॉन्स्टेंट ही माना जाता है। तो अज्यूमिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इनको मैंने टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मान लिया, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं माइनस एन एफ डी ई अपॉन डी टी ये जीरो माइनस टी का वन, तो ये क्या हो गया डेल्टा एस। तो यहाँ पर एन एफ डी ई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एस, इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये वर्ड पहले भी और जगह यूज हुआ है, हर जगह अपना अपना मीनिंग है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। काइनेटिक्स में भी हमने ये टर्म यूज की थी बट यहां पर भी हम इसको यूज कर, टेम्परेचर कोफिशिएंट एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा एस। ये डीई बाई डी टी क्या है, एक तरह से स्लोप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसका स्लोप है ये डीई बाई डी टी। अच्छा क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी क्या डीई बाई डी टी हमेशा पॉजिटिव होगी? तो एन तो पॉजिटिव है, एफ पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव भी, डेल्टा एस पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा एस नेगेटिव भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़े, ये किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा एस के साइन पर डिपेंड करेगा, राइट। हाँ लेकिन एक जस्ट फैक्ट में बता दूं, जनरली ये जो डी बाई डी टी का ऑर्डर होता है जनरली के ऑर्डर का, मतलब एक केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज 10^-5, 100 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज 10^-3, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत ही कम है 10^-3 यानी 0.001। इसीलिए जो सेल्स और बैटरीज हम यूज करते चाहे इंडिया में यूज करो, चाहे आप आई थिंक ग्रीनलैंड में ले जाके यूज करो जहां टेम्परेचर माइनस में होता है, यहाँ प्लस में अच्छा खासा आई थिंक दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 80-90 डिग्री का हो जाएगा, बट तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई मेजर चेंज नहीं आते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मेजर चेंज नहीं आते हैं। तो टेम्परेचर के साथ अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज तो होता है, लेकिन वो जो चेंज है वो बहुत कम होता है। जस्ट एक कॉमन बात मैंने बताई जो आपके माइंड में रहनी चाहिए, अदरवाइज ये तो फॉर्मूले हैं, कुछ नया नहीं है, सब आपको पता है, ये लिखने का तरीका बदला हमने, आ चुके हैं इस पर क्वेश्चन यही, इसका डेटा क्वेश्चन गिवन होता है। खैर नहीं भी पता हो तो भी हम समझ सकते हैं, यूनिट्स देख के भी समझा जा सकता है कि ये क्या होगा, बट ऐसे क्वेश्चन आए हैं जेई में टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है हम इसे डेल्टा एस डेल्टा एच डेल्टा एन इस तरह के पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ विच इज गैल्वेनिक सेल। हाँ इसमें एक छोटा सा पार्ट जो भी रिमेनिंग है वो ये है कि डेली लाइफ में भी हम कुछ गैल्वेनिक सेल्स यूज करते हैं, लेकिन उनका डिस्कशन हम सेकंड पार्ट पर करेंगे, जब सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में हम कौन कौन से सेल्स यूज करते हैं जिसमें से कुछ रिचार्जेबल भी होंगे और कुछ नॉन रिचार्जेबल भी होंगे। तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो कैसे हम केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमने देखा, अलग अलग तरह के हाफ सेल्स हमने यहां पर कंसिडर किए। अब हम आ रहे हैं सेकेंड पार्ट पर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनमें क्या होता है, हम एक सेल के थ्रू करंट पास करते हैं जिसके कारण सेल में जो भी सब्सटेंस है उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो करंट के थ्रू अब हम केमिकल चेंजेस डिस्कस करेंगे, और मेटलर्जी में आप अच्छा खासा इसको डिस्कस कर ही चुके हो कि क्या किस तरह के चेंजेस होते हैं,
बट इस पूरे डिस्कशन को अब हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, केस वन सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन केटायन एंड वन एनायन, यानी सॉल्यूशन में केवल एक ही केटायन और एक ही एनायन। कैसे? लेट्स से ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको हमने एक बैटरी यानी गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमने मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl में कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? Na प्लस और Cl। क्यों मोल्टन NaCl ले रहे हैं, एक्वस NaCl क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो उसमें Na प्लस Cl आयन तो होंगे लेकिन साथ में H प्लस और OH आयन भी होंगे, जबकि हमारी कंडीशन क्या, ओनली वन केटायन एंड वन एनायन, तो सब्सटेंस प्योर होना चाहिए। मोल्टन NaCl इसमें आप कह सकते हो Na प्लस और Cl आयन ही होंगे और कोई सब्सटेंस नहीं होगा। यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड फ्लिप कर दी और इनको एक बैटरी सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे सर्किट कंप्लीट होगा इस पर कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये Na प्लस आयन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, Cl आयन इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ये Na प्लस आयन यहां पर जाके Na प्लस आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगी Na सॉलिड, सिंस रिडक्शन हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें Cl आयन कन्वर्ट्स इनटू Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 कर देता हूं, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे एनोड, तो कैथोड पर ये रिएक्शन होगी, एनोड पर ये होगी। एनोड कैथोड कैसे डिसाइड किया, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे एनोड कह दिया, जहां रिडक्शन हो रहा है उसे कैथोड कह दिया, तो ये वाला पार्ट जो है वो यहां पर क्या हो गया एनोड और ये वाला पार्ट क्या हो गया कैथोड। और डिफरेंस क्या है, यहां पर कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यही गैल्वेनिक सेल जब हमने डिस्कस किया था तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज था, तो यस ये अलग अलग होते हैं। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड पर चार्ज अलग होते हैं, हाँ लेकिन सेम क्या होता है, दोनों ही सेल्स में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, दोनों ही सेल्स में कैथोड पर रिडक्शन होता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई यहां पर, दिस इज नोन एज ओवरऑल सेल रिएक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन है, यस डेफिनेटली ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं होगी। क्या आपको लगता है अपने आप हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इस सॉल्यूशन में यहां पर NaCl मोल्टन NaCl भरते हैं, दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और कोई बैटरी यूज ना करें, कोई इस बैटरी यहां यूज ना करें तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, ये रिएक्शन तभी होगी जब हम यहां पर एक गैल्वेनिक सेल यूज करते हैं। मतलब ये रिएक्शन जो यहां हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही, अपने आप नहीं हो रही मतलब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब इसका डेल्टा जी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। फिर क्वेश्चन आता है सर फिर क्यों हो रही है इसका, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इसको एक गैल्वेनिक सेल से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनिक सेल का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। हाँ, यहां पर ये डेल्टा जी इतना नेगेटिव होना चाहिए कि इन दोनों का डेल्टा जी का जो सम है वो नेगेटिव होना चाहिए, इन दोनों के डेल्टा जी का जो सम है वो नेगेटिव होना चाहिए। कह सकते हो इस सेल के कारण ये रिएक्शन हो रही है, इस सेल के कारण ये रिएक्शन हो रही है। अब इसको डेल्टा जी के बजाय अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में कहूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में कहूं, तो सिंस इसका डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा, लेस देन जीरो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन जीरो है तो यहां पर जो सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो तो होना ही चाहिए, साथ में इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि इसका ई और इसका ई का सम भी पॉजिटिव आ जाए। यानी अगर यहां पर जो ई है वो माइनस वन वोल्ट है तो इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस वन वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए।
अगर यहाँ माइनस वन वोल्ट है तो यहां पर ई प्लस वन वोल्ट या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी केमिकल चेंजेस होंगे। ऐसा नहीं कि कोई सी भी बैटरी लगा दो करंट फ्लो करने लगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर यहां पर माइनस वन वोल्ट है और यहां पर आपने 0.5 वोल्ट का लगा दिया, कुछ भी नहीं होगा, प्रोसेस फिजिबल ही नहीं होगा। तो छोटे छोटे से पॉइंट है, कुछ खास नहीं, सिंपल सी बात है। एक दो टर्म्स पता होंगे एनोड पर, कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही है वो हमने यहां पर लिखी। एक वर्ड मैंने यहां पर और यूज किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन तो गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शंस को भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इन्हें स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है इसके थ्रू गैल्वेनिक सेल लगा के। यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसका डेल्टा जी पॉजिटिव ई नेगेटिव, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है उसका डेल्टा जी नेगेटिव और ई पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात होगी। और यहां पर बहुत आसान था रिएक्शंस लिखना, क्यों आसान था, क्योंकि एक ही केटायन है और एक ही एनायन है, तो रिएक्शंस लिखना भी आसान था। अब यहां पर क्वेश्चन मेनली ये आता है कि हम करंट पास कर रहे हैं, Na+ भी डिपॉजिट हो रहा है, Cl आयन भी डिपॉजिट हो रहे हैं। क्वेश्चन यही आता है कि मान लीजिए हमने 1 आवर तक करंट पास की तो कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना Na+ डिपॉजिट होगा, कितनी कितने Cl आयन डिपॉजिट होंगे। यानी हमें चार्ज को यानी करंट को मास से रिलेट करना है कि अगर हमने 1 आवर तक करंट पास की तो कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो यहां पर उसके लिए अगर हमें चार्ज को मास से रिलेट करना है, चार्ज को मास से रिलेट करना है तो इसके लिए दो लॉज इंट्रोड्यूस किए गए और जिन्हें कहा जाता है फैराडेस फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। पहले बात करते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ। फैराडेस फर्स्ट लॉ, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, सही पूछो तो ऐसे किसी लॉ की जरूरत ही नहीं, ना फर्स्ट लॉ की जरूरत थी फैराडे, ना सेकंड लॉ की जरूरत थी। कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ये कॉमन सेंस है, हम बहुत आसानी से भी निकाल सकते थे, बहुत आसानी से निकाल सकते थे। जो ऑलरेडी हमारी नॉलेज है, जितना हमने सीखा हुआ है उससे हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फैराडेस फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, लेकिन सही पूछो तो हम इनको यूज नहीं करने वाले, इनको नहीं यूज करेंगे। इसके बगैर क्वेश्चन करना और ज्यादा आसान इनफैक्ट पूछो तो हम इनको डिराइव कर लेंगे। कहने में तो ये फैराडेस फर्स्ट और सेकंड लॉ, बट हम इनको डिराइव भी कर सकते हैं, कैसे वो मैं बताता हूं। बट स्टार्टिंग तो यहीं से करेंगे, फैराडेस फर्स्ट लॉ, ताकि कहीं स्टेटमेंट आए तो पता हो। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ बड़ा सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनोड और कैथोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनोड और कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड। यानी अमाउंट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना डिपॉजिट होगा एनोड पर या कैथोड पर, ये चार्ज कितना हमने पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां Q चार्ज है, W मास है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डेफिनेटली आएगा, जिसे हम यहां पर Z से लिखते हैं। क्या है Z? एटॉमिक नंबर नहीं, तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो भी नहीं, तो फिर और कुछ सोच सकते हो, और कहां यूज होता है, और तो कहीं नहीं यूज होता है, बट यहां इसका मतलब कुछ हो रहा है। Z इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, जो सामने दिख रहा वही होता है बस। Z इज व्हाट आंसर इज, एक नाम देना है तो इसको दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
तो क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वैल्यू कहां से आएगी, क्या क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। बट अब मैं यहां पर दूसरा तरीका यूज कर रहा हूं, उससे हम इस z की वैल्यू भी निकाल लेंगे लेकिन z को यूज नहीं करेंगे, हम उसके बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाँ, फैराडेज लॉ तो यहीं तक हो गया, फैराडेज फर्स्ट लॉ खत्म। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे हम करेंगे और जो हमारा तरीका उससे हम z भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, अगर आपको एक Na प्लस आयन को डिपॉजिट करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? तो एक मोल को डिपॉजिट करना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत। एक कैल्शियम आयन को डिपॉजिट करना है तो दो मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक मोल के लिए दो मोल। और अगर एक मोल एल्यूमिनियम आयन को डिपॉजिट करना है, लिख देता हूं, तो एक मोल के लिए कितने मोल चाहिए, तीन मोल। यानी हो क्या रहा है यहां पर, किसी के एक मोल के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो किसी के एक मोल के लिए दो मोल इलेक्ट्रॉन, तो किसी के एक मोल के लिए तीन मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी अमाउंट फिक्स नहीं आ रही है, हर एक सब्सटेंस के एक मोल को डिपॉजिट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो अलग अलग चाहिए, वो अलग अलग चाहिए, वो फिक्स नहीं है। आई थिंक समझ में तो आ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं आगे। तो इंस्टेड ऑफ मोल्स, अगर हम इक्विवेलेंस की टर्म में बात करें तो, इक्विवेलेंस की टर्म में बात करें तो चलिए उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन उससे पहले मैं लिख सकता हूं वन मोल इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर तो क्या है, वन ही है, चार्ज जितना है वही वही एन फैक्टर, माइनस वन, इसे आप क्या बोल सकते हैं, वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, वन मोल इलेक्ट्रॉन बोलो या वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, 96,500 कूलम चार्ज, या इसे आप और क्या बोल सकते हो, वन फैराडे चार्ज, और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं वन इक्विवेलेंट चार्ज, वन इक्विवेलेंट चार्ज। इन सब का मीनिंग एक ही है, इन सब का मीनिंग एक ही है, वन मोल इलेक्ट्रॉन, वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, 96,500 कूलम चार्ज, या वन फैराडे, या वन इक्विवेलेंट चार्ज, जो भी कन्वीनियंट लगे टर्म यूज कर सकते हो। यानी वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम, या आप कह सकते हो वन इक्विवेलेंट चार्ज कितना होता है, वन इक्विवेलेंट चार्ज मतलब 96,500 कूलम। तो अब क्या होता है, बहुत बार हमें अमाउंट जो है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ना नंबर्स की टर्म में नहीं होता कि इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें चार्ज गिवन होता है कि इतना चार्ज पास हो गया, इतना चार्ज पास हो गया, तो बताओ कितने इक्विवेलेंट चार्ज पास हुआ है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालने, किसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑफ चार्ज भी बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, कितना चार्ज पास किया डिवाइडेड बाय एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जिससे 96,500, यानी क्यू अपॉन 96,500। और क्यू को आप और कैसे निकाल सकते हो, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज, ये भी बोल सकते हो, वन इक्विवेलेंट चार्ज, टू इक्विवेलेंट चार्ज। अगर 96,500 कूलम चार्ज है तो वन इक्विवेलेंट चार्ज, 96,500 इनटू टू है तो टू इक्विवेलेंट चार्ज, 96,500 इनटू थ्री कूलम चार्ज है तो थ्री इक्विवेलेंट चार्ज। तो इस तरह से इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, ये वर्ड थोड़ा यूज करोगे तो आदत पड़ेगी, इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वापस बोलो इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये टर्म्स पता होनी चाहिए। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर वन, तो कह सकता हूं इसके वन मोल, इसके वन इक्विवेलेंट, ठीक है, वन मोल वन इक्विवेलेंट, यहां पर इसके वन मोल यानी कितने इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट, इसके टू मोल तो इक्विवेलेंट कितने, इसका तो एन फैक्टर वन है तो टू मोल तो टू ही इक्विवेलेंट होंगे। यानी इसके टू इक्विवेलेंट के साथ इसके भी कितने इक्विवेलेंट चाहिए, टू,
इसके वन मोल कितने इक्विवेलेंट, थ्री इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रॉन के भी कितने इक्विवेलेंट, थ्री इक्विवेलेंट। यानी कोई सा भी सब्सटेंस हो उसके वन इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए चार्ज भी वन इक्विवेलेंट ही चाहिए। कोई सा भी सब्सटेंस हो, चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसके वन इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए इसके भी वन इक्विवेलेंट ही चाहिए। यहां पर टू के लिए टू तो वन के लिए वन, थ्री के लिए थ्री तो वन के लिए वन। यानी जितने इक्विवेलेंट चार्ज पास होगा उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उतने ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज पास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनोड, यहां इक्वल कर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। लेट्स से फाइव इक्विवेलेंट चार्ज आपने पास किया है तो फाइव इक्विवेलेंट सब्सटेंस एनोड पे भी डिपॉजिट होगा और फाइव इक्विवेलेंट सब्सटेंस कैथोड पे भी डिपॉजिट होगा। दोनों पे मिला के फाइव नहीं, फाइव और फाइव इंडिविजुअली। टेन इक्विवेलेंट चार्ज पास किया है तो टेन इक्विवेलेंट एनोड पे भी डिपॉजिट होगा और टेन इक्विवेलेंट कैथोड पर भी डिपॉजिट होगा। हो गया क्वेश्चन? कैसे? आपको दे रखा होगा इतना चार्ज पास किया, क्यों दे रखा होगा, क्यों नहीं दे रखा तो करंट और टाइम दे रखा होगा, उसे इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज आ जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज जितना है उतने ही इक्विवेलेंट एनोड पर, उतने ही इक्विवेलेंट कैथोड पर। एनोड और कैथोड पर इक्विवेलेंट्स आ गए, इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल से मास निकाल लो, प्रॉब्लम सॉल्व। कहीं पर भी फैराडे लॉ की जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही करेंगे, बिना फैराडे लॉ के करेंगे, बिना फैराडे लॉ के करेंगे। इनफैक्ट अभी हम फैराडे लॉ डिराइव भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे क्यों जितना ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट्स उतने ही ज्यादा होंगे, सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स भी उतने ही ज्यादा डिपॉजिट होंगे और सब सब्सटेंस का मास भी उतना ही ज्यादा होगा। तो क्यों जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा, तो प्रोपोर्शनलिटी वाली बात जो है। तो हाँ, अब इससे हम जेड कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता दो। जेड निकालना है, कैसे निकालेंगे कि ये जेड की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो लेट्स से आपने एक सेल में 96,500 कूलम चार्ज पास किया, कितने इक्विवेलेंट चार्ज पास किया, वन इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट होगा। तो कोई सा भी सब्सटेंस है, कोई सा भी सब्सटेंस है उसके कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, वन। और वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास किसके बराबर होता है, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर। जैसे वन मोल सब्सटेंस का मास किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो वन इक्विवेलेंट सब्सटेंस का मास किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। यानी ये डब्ल्यू किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास। ये सब टर्म्स हम पढ़ चुके हैं रिडॉक्स में, इक्विवेलेंट मास। यानी यहां से जेड की वैल्यू आ गई, यस यही है जेड की वैल्यू, 96,500। यानी अगर आपको जेड निकालना है तो पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा और इक्विवेलेंट मास अपॉन 96,500 करोगे तो ये जेड आ जाएगा। यस, जेड ऐसे ही निकाला जाता है, जेड ऐसे ही निकाला जाता है। तो अब आपको हो सकता है बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा दिख जाए कि फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल्स टू, क्योंकि जेड की वैल्यू आ गई तो जेड को हटा के उसकी जगह क्या लिख दो, ई अपॉन 96,500। यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नहीं है, यहां पर ये जो ई आप देख रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट मास है, दैट इज इक्विवेलेंट मास। हाँ, लेकिन अगर आप देख सोचो इसको, क्या ये कोई अलग है, नहीं कैसे सेम है, सुनिए सोचो, डब्ल्यू अपॉन इक्वल्स टू क्यू अपॉन 96,000। ये क्या चार्ज के इक्विवेलेंट्स और ये किसके इक्विवेलेंट्स है,
सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स, ये सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स और ये चार्ज के इक्विवेलेंट्स, ऐसे ही आएंगे ना सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स। मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या देता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या देगा आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर है। तो कभी जेब की जरूरत पड़े तो आप यहां से निकाल सकते हो, लेकिन हाँ क्वेश्चन हम यही इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा अगर चार्ज दे रखा है तो उस चार्ज के इक्विवेलेंट्स निकाल लो, उससे एनोड और कैथोड पर इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, इक्विवेलेंट से उनके मोल्स निकालो और मोल से फिर मास निकालो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। हाँ बहुतों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिसको ये स्टेप्स दिखती नहीं है तो उन्हें लगता है सर ये ज्यादा आसान है, ये आसान नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है एक ही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो लगता है हो गया, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो यही ज्यादा आसान होगा। ठीक एक दो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एटीन ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल प्लस थ्री सोल्यूशन। फैराडे की टर्म्स में ही आंसर निकालना आपको, फैराडे की टर्म्स में 18 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम प्लस थ्री सॉल्यूशन
चलिए करते हैं। 18 ग्राम एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो मोल्स निकालोगे तो मोल्स 18/27। एन फैक्टर एल्यूमिनियम का बहुत आसान है, यहां पर देखो एन फैक्टर निकालना बहुत सिंपल से केसेस है, जो रिडॉक्स में हमने इतने सारे केसेस किए थे ना उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और एक का ही ऑक्सीडेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर हमें इक्विवेलेंट नहीं आता तो क्या करें, नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। एल्यूमिनियम प्लस 3 से एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 3 क्या हो गया 2, सॉरी एन फैक्टर से जैसे ये मोल्स आए, मोल्स इनटू एन फैक्टर कर रहा हूं मैं, चलिए पहले मोल्स लिख देता हूं, 2/3 इक्विवेलेंस कितने हो जाएंगे, 2/3 इनटू एन फैक्टर 3, तो 2 इक्विवेलेंस यानी 2 फेराडे चार्ज। सेकंड पार्ट क्लोरीन का, 142 ग्राम क्लोरीन कितने मोल्स हो गए, पहले या चाहो तो रिएक्शन लिख दो, एन फैक्टर क्लोरीन का 2 पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इस पूरे पार्ट में सीधा सीधा पर मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, इसके एक मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर 2, हाँ इसका एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि 2 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 के साथ 1 है, एन फैक्टर इसका 2, मोल्स निकालो 71 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 मोल्स एन फैक्टर 2 तो 4 इक्विवेलेंट्स यानी 4 मीटर, जितने इक्विवेलेंट उतने ही फैराडे। यहां पर भी S4O6 2 माइनस कन्वर्टिंग इनटू SO4, सल्फर पर अगर एन फैक्टर भी निकाला जा सकता है, यहां पर सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में 2.5, यहां पर प्लस 6 चेंज कितने का 3.5, चेंज कितने का 3.5, इसका एन फैक्टर 3.5, नहीं तो बैलेंस करके भी कर सकते हो, 4 टाइम्स कर दिया 16, ऑक्सीजन यहां पर 6, चार्ज को बैलेंस करना है यहां पर -2, ये 20 है ध्यान, यहां पर -8 तो कितना हो गया +12, हमें चाहिए तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन का देना, 14 और 8 माइनस 14 और 8 ये ऐड हो जाएंगे 22, उसमें से 20 गया तो -2, अब इसका एन फैक्टर 4 मोल्स के साथ 14 इलेक्ट्रॉन तो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन 3.5, कितने मोल्स चाहिए मैं 3 मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्विवेलेंस ऑफ सल्फेट आयन 3 × 3.5 10.5, इतना ही चार्ज। लास्ट नाइट्रो एंजिन फ्रॉम एनिलीन C6H5NO NH2 से हमें क्या मिली C6H5NO2, एन फैक्टर फिर से निकालना, कार्बन बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है ऑक्सीजन के लिए 2H2O, हाइड्रोजन इधर 5 से 5 कैंसिल, यहां पर 6 एक्स्ट्रा है तो 6H, इसके कितने मोल्स, इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा 123 मोल्स कितने 2 मोल्स इनटू एन फैक्टर कितना 6 12 फेराडे, इसका आंसर 12 फेराडे। सब आसान से हो रहे क्योंकि मैंने केवल चार्ज पूछा है, अब मुझे इन्हीं क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड करना है तो मैं क्या कहूंगा कि बताओ कितने या इस तरह से होता है, बताओ 2 एम्पीयर की करंट को कितने टाइम तक पास करना होगा, तो चार्ज आ गया, क्यू पता है करंट पता है तो टाइम आ जाएगा और टाइम पता है तो करंट निकाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन बढ़ जाती है,
जैसे ये आएगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, टाइम्स आवर्स में गिवन है तो उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, फिर यहाँ पुट करना होगा, तो कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अभी ये बहुत आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको केवल चार्ज पूछा है। क्वेश्चन शीट में करोगे तो वो करंट टाइम पर भी आ जाते हैं, करना कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन वाली बात है। कॉन्सेप्ट तो यही था, केमिस्ट्री तो यही थी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड एंड मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड, मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनोड इफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज, मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट कैथोड इज 10 ग्राम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है 10 ग्राम, हमें ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस होगी उसका मास बताना है और चार्ज बताना है, और कितना चार्ज पास होगा वो बताना है। यस, रिएक्शन लिखनी होगी। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वाटर है, वाटर क्या देगा, H प्लस और OH आयन, ये H प्लस आयन कैथोड पर जाएंगे, H प्लस आयन कैथोड पर जाके क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2 रिडक्शन, N फैक्टर इसका, H2 का मास दे रखा तो इसका N फैक्टर 1 और इसका N फैक्टर 2, प्लस 1 से 0 ऐसे भी कह सकते हो। चेंज कितने का, 1 का, लेकिन यहां कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 का चेंज, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का चेंज। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होगी, OH आयन कन्वर्टिंग इनटू O2, बैलेंस अगर करना चाहो तो 2H2O प्लस 4 N फैक्टर इसका 4, ऐसे भी निकाल सकते हो। H2O में यानी OH आयन में ऑक्सीजन -2 से 0, एक ऑक्सीजन के लिए चेंज कितने का, 2 का, लेकिन यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, 2, इसका N फैक्टर 4, H2 का N फैक्टर 2, हाइड्रोजन का N फैक्टर 4। अब हो जाएगा हाइड्रोजन के इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू एन फैक्टर 2, 10 इक्विवेलेंस, इतने ही इक्विवेलेंस किसके होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ चार्ज, और इतने ही इक्विवेलेंस किसके होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चार्ज कितना चाहिए, चार्ज कितना चाहिए, आंसर इज 10 फैराड। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2.5। मास ऑफ ऑक्सीजन मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास 32, ठीक है, करके आसानी से कर सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यस, थोड़ी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इक्विवेलेंट के एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन फिर से बता दूं, नोट्स में जो इक्विवेलेंट हमने प्रोड्यूस किया है, जो क्वेश्चंस किए यहाँ से बहुत अलग है, ये बहुत उसका एक सिंपल सा केस है, बहुत ही सिंपल सा एक केस है। यहाँ पर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन निकालो, एन फैक्टर आ जाए, वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, उनकी यहाँ कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी कन्फ्यूज मत होना, बहुत सिंपल से केस है, नहीं पता है तो इनको देख के भी समझ सकते हो, इनको देख के भी समझ सकते हो कि मैं किस तरह से निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।